दोस्तों, आज मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मदरबोर्ड, यानी कि हम मदरबोर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, तो आज हम इनको मदरबोर्ड की क्लासेस देने वाले हैं। तो आप भी समझिए कि हम मदरबोर्ड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से मदरबोर्ड आते हैं, तो उनके बारे में आज हम समझेंगे, ठीक है। तो मदरबोर्ड होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मदरबोर्ड है क्या। मदरबोर्ड लैपटॉप का भी आता है, कंप्यूटर का भी आता है, डेस्कटॉप का भी आता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड होता क्या है, इसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। डेस्कटॉप का है और ये लैपटॉप का है, ये होता है मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड इज ए पीसीबी, पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इट इज़ कनेक्ट ऑल डिवाइस एंड वर्क टुगेदर, ये सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और साथ में मिलके काम करता है। कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, रैम कनेक्ट होती है, हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है, सीपीयू कनेक्ट होता है, और क्या क्या कनेक्ट होता है, डीवीडी राइटर कनेक्ट होता है, और भी बहुत सारी एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट होती है। ये सारी डिवाइसेस को मदरबोर्ड अपने कनेक्ट करता है और साथ में काम करता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंटरव्यू के लिए जाते हो कि मदरबोर्ड होता है क्या, व्हाट इज़ मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड इज़ ए पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इट इज़ कनेक्ट ऑल डिवाइस एंड वर्क टुगेदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मदरबोर्ड इज अ पीसीबी, इट्स कनेक्ट ऑल डिवाइस एंड वर्क टुगेदर, ठीक है। तो ये सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करके साथ में काम करता है, ठीक है। अब मदरबोर्ड आते कितने टाइप्स के हैं, तो हमारा नेक्स्ट है टाइप ऑफ मदरबोर्ड। अब देखो क्या होएगा, आप मार्केट में जाओगे, यहाँ से जाने के बाद अपनी दुकान करोगे या कहीं पे आप जॉब करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मदरबोर्ड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब ये जो मदरबोर्ड रखे हुए हैं क्या, इनके टाइप्स क्या हैं, इसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखो मदरबोर्ड तीन तरह के आते हैं, इसके सिवा कोई भी उसका चौथा टाइप नहीं होता है। तीन टाइप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला जो मदरबोर्ड आता है वो होता है इंटेल ओरिजिनल मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड क्या मदरबोर्ड होता है, कौन सा मदरबोर्ड होता है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इंटेल ओरिजिनल मदरबोर्ड कौन सा है। बता सकते हो इसमें कौन सा इंटेल ओरिजिनल मदरबोर्ड है, कैसे किस भी आप पे बताया। देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ, आपने सही बताया, अच्छी बात है। नहीं, पार्ट बड़े छोटे से हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। क्या होता है, इंटेल का जो मदरबोर्ड होता है, सबसे पहले हमारे मदरबोर्ड में एक चिप लगती है जिसका नाम होता है ICH, साउथ ब्रिज IC, जिसके बारे में अभी मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले। साउथ ब्रिज जो IC होती है वो तीन चार ही कंपनी बनाती है, इंटेल, AMD, सिस, वाया, ये सारी कंपनियां बनाती हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई बोर्ड है, जैसे कि ये मदरबोर्ड है, ठीक है, मदरबोर्ड पर आपका लिखा होगा इंटेल, क्या लिखा होगा, इंटेल, और जो उसकी IC होगी साउथ ब्रिज जिसको हम बोलते हैं ICH IC, वो भी इंटेल की होगी। यानी कि जिस मदरबोर्ड में मदरबोर्ड पर भी इंटेल हो और ICH भी इंटेल हो, दैट इज़ इंटेल ओरिजिनल मदरबोर्ड, समझ गए। अब जैसे कि ये हमारे पास मदरबोर्ड है, ये इंटेल ओरिजिनल मदरबोर्ड है, बोर्ड पर भी इंटेल लिखा हुआ है और IC पर भी इंटेल लिखा हुआ है, यानी कि हमारा इंटेल ओरिजिनल मदरबोर्ड। पहचान लोगे, कोई दिक्कत। अब देखो एक बोर्ड और आता है जिसको हम बोलते हैं चिपसेट मदरबोर्ड, कौन सा, चिपसेट मदरबोर्ड। जब आप मार्केट में कंप्यूटर असेंबल कराने जाओगे ना, तो आपसे सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है, ओरिजिनल में चाहिए, चिपसेट में चाहिए या अदर चिपसेट में चाहिए। तो आपको तो पता ही नहीं है ओरिजिनल क्या होता है, चिपसेट क्या होता है, अदर चिपसेट क्या होता है। अगर ओरिजिनल बोल रहा है तो यानी कि वो ये बोल रहा है, चिपसेट बोलेगा तो ये बोलेगा। रेट में बहुत अंतर होता है, ओरिजिनल का अलग प्राइस होता है, चिपसेट का अलग प्राइस होता है, बहुत सारा अंतर होता है। क्या अंतर होता है अभी मैं बताऊँगा।
अब चिपसेट मदर कौन कौन से होते हैं मदरबोर्ड, जैसे कि आपके मदरबोर्ड और भी आते हैं इंटेल के सिवा, आसूस आता है, जेब्रोनिक्स आता है, कॉन्सिस्टेंट आता है, विनसोनिक आता है, बायोस्टार आता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक मदरबोर्ड है, ये एक मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड कौन सी कंपनी का है, एसरॉक, आपका मदरबोर्ड है एसरॉक का। और इस पे ये चिप कौन सी लगी हुई है, दिख रही है, इंटेल। यानी कि यहाँ पे मदरबोर्ड अलग हो गया लेकिन चिप इंटेल की लगी है, तो हम इसको बोलेंगे इंटेल चिपसेट मदरबोर्ड। कौन सा मदरबोर्ड, इंटेल। यानी कि मदरबोर्ड आपका कोई और है लेकिन चिप उसमें किस चीज़ की लगी है, इंटेल की। तो आपसे मार्केट में बोलेंगे इंटेल चिपसेट चाहिए, यानी कि इंटेल का जो चिप लगा होना चाहिए, या आपसे ये भी बोल सकते हैं कि एएमडी चिपसेट चाहिए, तो उसमें चिप एएमडी की होगी और मदरबोर्ड किसी और कंपनी का होगा। तो ये रहा हमारा दूसरा टाइप। तीसरा टाइप आता है अदर चिपसेट मदरबोर्ड, यानी कि अदर मदरबोर्ड हम उसको बोलते हैं। इसमें क्या होएगा, मदरबोर्ड अलग कंपनी का, मान लो विनसोनिक, और जो ICH आपकी होगी वो अलग कंपनी की होगी, मान लो वाया, तो ये हो जाएगा अदर चिपसेट में आ जाएगा। यानी कि इसका इंटेल से कोई मतलब ही नहीं है, ये अदर में चला गया। अदर में बोर्ड भी अलग कंपनी का और चिप भी अलग कंपनी की, ये बोर्ड आपको सस्ता मिल जाएगा। अगर ये बोर्ड आपका 4000 का है ना, तो ये बोर्ड आपको 1800-1900 रुपये मिल जाएगा, ये डिफरेंट होता है। लेकिन जो इस बोर्ड की लाइफ होगी ना, उसके अकॉर्डिंग इसकी कुछ भी नहीं होगी। तो अब डिपेंड करते हैं कस्टमर किस रेट में आपसे सिस्टम तैयार करवा रहे, भैया सस्ता चाहिए कैसा चाहिए, तो उस हिसाब से आप उसको बोर्ड लगा के दो। वारंटी आपको इस पर भी मिलेगी, इस पर भी मिलेगी, इस पर भी मिलेगी, लेकिन जो इनके काम करने की परफॉर्मेंस होगी ना, वो बहुत अलग होगी। मदरबोर्ड पहचान लोगे, कौन कौन से आते हैं, इंटेल ओरिजिनल, इंटेल चिपसेट और अदर चिपसेट, ये हमारे मदरबोर्ड आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक मदरबोर्ड का। अब मदरबोर्ड आते कौन कौन से, यानी कि आजकल जनरेशन कौन सी चल रही है। जनरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 40, 44, 80, 86, 88 बहुत सारे मदरबोर्ड आए, लेकिन फिर आई Pentium 4, Pentium 4 में भी बहुत सारे आ रहे हैं, 845, 815, 915, G31, G41, H81। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा मदरबोर्ड कौन सा है। मैं आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं उसमें भटकाऊंगा, फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, उससे आप मदरबोर्ड को आइडेंटिफाई कर लोगे। क्या ट्रिक है, सिंपल सा, देखो। सबसे पहले जहां से सिंगल कट की रैम स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि हमारा मदरबोर्ड है, अगर इसमें सिंगल कट की रैम लग रही है, तो ये आपका Pentium 4 का मदरबोर्ड होगा। कौन सा, Pentium 4। अब Pentium 4 में बहुत सारे मदरबोर्ड आते हैं। Pentium 4 के अगर हम मदरबोर्ड आपको गिनाने लगे तो देखो, 815 मतलब सर दो हैं, एक आने लगे। नहीं नहीं, कट, ये कट देखो ना, रैम के पीछे सिंगल कट की रैम है, तो ये Pentium 4 का मदरबोर्ड है। सिंगल कट रैम, दैट मीन Pentium 4 मदरबोर्ड। अब Pentium 4 में बहुत सारे आते हैं, कौन कौन से आते हैं, ऐसे तो आपने बता दिया सर ये P4 जनरेशन के, लेकिन P4 में कौन कौन से मदरबोर्ड हैं, ये 815, 845, 865, फिर आया 915, 945, 965। ये मदरबोर्ड आज की डेट में कोई नहीं यूज करता, बहुत पुराने मदरबोर्ड हैं। हो सकता है कहीं आपको कोई क्लाइंट मिल जाए, कस्टमर मिल जाए, तो उसके पास आपको मिल जाए। फिर आपका आया G31, G41, H61, H81, H110, इस तरह से मदरबोर्ड आते हैं। अब हम कैसे, इन्हीं में से कोई ना कोई मदरबोर्ड है ये, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा मदरबोर्ड है, 815, 845, 865 है गया, और ये कौन सा मदरबोर्ड है। देखो सिंपल सा तरीका होता है, ये होती है हमारी GMCHIC। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे मैं बताता हूँ, ये होती है GMCHIC, और ये होता है, इसके ऊपर का एक कांच का कवर होता है, इस कवर के ऊपर मदरबोर्ड का मॉडल नंबर लिखा हुआ होता है। कई कई मदरबोर्ड होते हैं उनमें क्या होता है, चिट लगी होती है, यहाँ पे उस पर लिखा हुआ होता है 945, 965, 31, 41। लेकिन अगर वो हट गई फिर कैसे आइडेंटिफाई करोगे,
अगर अभी आप बिगनर हो तो सिंपल सा तरीका ये है, ये आईसी होती है, इसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है HY61945। तो इसमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाली लाइन होगी, ऐसे तीन लाइन होंगी, फर्स्ट लाइन की लास्ट की आपको थ्री डिजिट फाइंड करनी है। तो 945 लिखा है तो 945 का हो जाएगा, 965 लिखा है तो 965 का हो जाएगा, इस तरह से हम आइडेंटिफाई करें। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, टॉर्च चलाओ। इस पे देखो लिख रहा है Q62945। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट वाली लाइन पढ़ना है, इसमें 945 आ रहा होगा, उसमें नहीं दिखेगा। फर्स्ट वाली लाइन में देखो 945 आ रहा होगा, बीच में 945 आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। आप भी देखो, सारे लोग देखो, इसमें देखो क्या आ रहा है, ठीक है, इसमें देखो क्या आ रहा है, इसको साफ करके टॉर्च से देखोगे तब दिखेगा।